रहा है। ये आंदोलन जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जो अनारक्षित जो हमारे लोग आरक्षण ले चुके हैं उनको अनारक्षित कोटा में नहीं रखा जाए, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये डिसीजन बताते नहीं है पूरे देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाए। कितना नुकसान हो रहा है जनरल एससी और ओबीसी छात्रों के और 10% सरकार ने वैसे ही दे दिया था, 27% बैकवर्ड है, 25% है, सारा रिजर्वेशन इन लोगों ने खत्म कर रखा है, इसलिए एससी एसटी ओबीसी की माइनॉरिटी के लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं। कम से कम 61% अंदर अपनी 61% रिजर्वेशन वो लोग स्वयं ले लिए, इसलिए आंदोलन चल रहा है। नाम 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 आपका नाम नाम अमर बहादुर गौतम, जय संविधान। मैं आज पूर्व भारतीय नागरिक लोकसभा प्रत्याशी और प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मैं यहाँ ओवरलैपिंग को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। और ओवरलैपिंग का ये जो सिस्टम है इसमें हम पहले जो था जो छात्र जनरल में क्वालिफाई कराता था उसको जनरल में क्वालिफाई कराया जाता था, डिग्री में भी जनरल में जाता था, मेंस में भी जनरल में जाता था और फाइनल सिलेक्शन पर भी जनरल के बराबर जो मेरिट पाता था वो जाता था ओपन कैटेगरी में जाता था। किंतु ओवरलैपिंग को ख़त्म कर देने के बाद अब ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी और जो है 27% का बच्चा जो है वो चाहे टॉप करेगा तब भी वो जो है अपनी ही कैटेगरी में रखेगा, एससी का बच्चा टॉप करेगा तब भी वो जो है अपनी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इससे जो है पहली बात तो ओबीसी को जिसकी संख्या 60% 65% करीब है उसको संख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिला है और आर्थिक आधार पर 10% जनसंख्या के अनुपात में ओपन कैटेगरी वालों को आरक्षण दे दिया गया है, तो हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और ये ओवरलैपिंग सिस्टम के द्वारा जो है प्रतियोगी छात्रों का बहुत नुकसान है, अब उनको 27% और 22.5% में ही रहना होगा। अब यहाँ मेघा का कोई मतलब नहीं रह गया, योग्यता का कोई मतलब नहीं रह गया है, चाहे जितना आम पाए लोग उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। इसीलिए हम लोग ने जो है लोक सेवा आयोग का घेराव किया है और जब तक ओवरलैपिंग को लागू नहीं किया जाता है तब तक हम इस लोक सेवा आयोग को घेराव जारी रखेंगे और ये हमारा प्रदर्शन देशव्यापी होगा। जय विज्ञान जय संविधान। लगाए हुए हैं अडवाणी अंबानी और विजय माल्या के पूरे समाज से छिपा नहीं है, पूरे पूरे छात्रों से छिपा नहीं है। इलाहाबाद के जो यहाँ पर डेलीगेशनों में रहा है विश्वविद्यालय में रह रहा है, जो छात्र है वो आकर के इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है और अपनी बातों को समझ प्रतियोगी अपनी बातों को रख रहे हैं। उदय भैया इधर एक बार फोटो हम भरते हैं। उदय भैया एक बार जजों का कैसे दो जज जो जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।